खबर बांदा जनपद से है, जहां बबरू कस्बे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े अभियान के तहत आज स्वच्छता अभियान का कार्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं बनाए गए हर वार्ड के नोडल अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें नगर पंचायत के सफाई कर्मी और ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मियों को बुलाकर नगर की सफाई करवाने पर अधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन जिस जगह पर सफाई होना चाहिए उस जगह सफाई नहीं की गई, कूड़े के ढेर खुद बयां कर रहे हैं। मामला बांदा जनपद के बबरू नगर पंचायत के अंतर्गत का है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत के सभी वार्डों में नोडल अधिकारी बनाए गए, जिसमें सफाई कर्मचारियों को लिवाकर अभियान के तहत सफाई करवा रहे। वही नगरवासियों का कहना है कि आज जितने अधिकारी आए हैं सब झाड़ू लेकर सफाई अभियान पर डटे हुए हैं, लेकिन जहां पर झाड़ू लगाना चाहिए वहां पर झाड़ू नहीं लगाया गया, साफ स्वच्छ जगह पर झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाने पर व्यस्त रहे। वही नगर के कई मोहल्ले पर लगे कूड़े के ढेर बयां कर रहे हैं कि नगर में किस तरह से सफाई होती है। वही नगर के कई सभासदों के द्वारा बताया गया कि नगर में साफ सफाई नहीं की जाती है, महीनों सफाई कर्मी नहीं आता है, जिसकी शिकायत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामबदन यादव से की जाती है, लेकिन वह अनसुना कर देते हैं और अस्वच्छता अभियान के तहत स्वयं झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने पर व्यस्त है। ऐसे में इस तरह के अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना क्या स्वच्छता अभियान के तहत पूरा होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नोडल अधिकारी से नगरवासियों ने खुले शब्दों में कहा कि कस्बे में सफाई महीनों से नहीं होती, कस्बे की नालियां गंदगी से पटी हुई है, सड़कों पर कूड़ा फैल रहा है, वही रास्ते से स्कूली छात्र छात्राएं निकलती हैं जिसमें बदबू और गंदगी से बीमार पड़ जाती हैं, अधिकारियों को यह नजर नहीं आता, आज स्वच्छता अभियान के तहत हाथ में झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाने पर मशगूल है। पवन सिंह पटेल। हाँ, ये आज जो कार्यक्रम सफाई अभियान का चालू है किस प्रकार का है? प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये साप्ताहिक सफाई अभियान चालू है पर यहाँ पर सर आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर सर अगर कूड़ा डाल दिया जाता है तो एक एक साल, ये सर लगभग 6 महीने का हो गया और अभी निकाल के फिर उसके ऊपर डाल दिया गया। अच्छा, तो यहाँ सब नरक है। तो क्या सफाई कर्मचारी जो है सफाई में लगे हैं या नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आते, अगर आते भी हैं तो यहीं फेंक देते हैं, चले जाते हैं, 6-6 महीने पड़ा रहता है कूड़ा। आज जो आए हैं जांच करने तो कौन आए हैं? अधिकारी आए हैं सामने, अधिकारी अच्छा। भी देख रहे हैं क्या स्थिति। हाँ, नोडल अधिकारी आए हुए हैं। अच्छा, तो कोई व्यवस्था आज की सही नहीं है? कोई व्यवस्था सर आज की तो सही ही नहीं है, पहले की तो। लेकिन कब से सफाई कब से नहीं हुई है इस आपके मोहल्ले में? सर सफाई 6-6 महीने में होती है तो यहीं पर कचरा डाल देते हैं, उठाते भी नहीं। अच्छा, इसके बाद उठाते नहीं है? नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन सिंह पटेल। आज कर्मचारी लगे हैं वो आए नहीं? बता दो, जो कर्मचारी लगे वो भी नहीं आए? जो कर्मचारी लगे हैं यहाँ पर वो भी नहीं आते। क्या नाम है आपका? पवन सिंह पटेल। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता। ये क्या है आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है? सफाई अभियान क्या है, सब यहाँ कचड़ा पचड़ा पड़ा रहता है, रोड़ों में नालियाँ बह रही हैं और वो निकलते हैं, नालियों का गंदगी जो है रोड पे आ जाती है। आज सफाई हो रही, अधिकारी भी आए हैं वार्ड को, तो अपना जो बयान है जैसे बताया गया है उनसे, वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। आजकल तो करप्शन तो बहुत ज़्यादा फैला है। अच्छा, यहाँ के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को नहीं भेजते क्या सफाई करने के लिए? कभी आए कभी छुट्टी मार गए। तो गंदगी रहती होगी। हाँ, कौन सा मोहल्ला है ये? शास्त्री नगर बबेरू है और आज अधिकारी आने की वजह से डबल झाड़ू वाले लगाए गए, सफाई कर्मचारी लगाए गए। हाँ, महेंद्र कुमार गुप्ता। क्या है ये मामला सफाई का? ये सफाई का मामला ये चल रहा है कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। तो क्या किस तरह से सफाई हो रही है यहाँ? बस आज वो बड़े बड़े जितने भी अधिकारी आए हैं उनको दिखाने के लिए दो, पहली बात तो पहले एक सफाई कर्मी आता था, आज 4-4 सफाई कर्मी आ रहे हैं, वही सफाई हो रही है। अच्छा, ये आपके पीछे जो है कूड़ा लगा हुआ है कई दिनों से हम देख रहे हैं, इसके में क्या कहेंगे? इसके 2-3 दिन पहले जो है कूड़ा निकलवाया गया था कचड़ा नाली का और अब जो है अभी पड़ा हुआ है उसी तरह तो, 3 दिन से। अच्छा, कोई उठाने नहीं? कोई अरे कहीं कुछ नहीं, अब ये पड़ा रहेगा, ये तो यही जब पानी बारिश होगी तो यही कचड़ा फिर नाली में चला जाएगा, तो ये गंदगी हो रही होगी। यही गंदगी है निकल, अधिकारियों से ईओ साहब से कहा जाए तो भी जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं है यहाँ।
अच्छा, ईओ साहब से आप शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं वो? वो अपने सफाई नायक से बोलते हैं, और सफाई नायक कहाँ है, कहाँ आता है, देखता है सबकी सब बात, मगर सफाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या इसी मोहल्ले में कि इसी तरह सब जगह पे? अरे कई वार्ड में ऐसे हो रहा है कि सफाई नहीं। आपको मैंने अभी दिखाया कि नाली कैसी, देखा है आपने? क्या चाहते हैं कि अभी कम से कम इसकी सफाई तो हो, जो ये पखवाड़ा चलवा रहे हैं तो कम से कम इसकी सफाई भी तो हो। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ड्यूटी कहाँ लगाई गई है आपकी? ड्यूटी लगाई गई है नगर पंचायत प्रभाकर नगर में। प्रभाकर नगर में क्या व्यवस्था है? ना तो यहाँ कूड़ा उठा है, ना तो कोई सफाई अभियान हुआ है, तो क्या आपके क्या किस कारण से नहीं हुआ? सर हमारे ना तो हमने नगर पंचायत की ओर से कोई थैलिया उलिया हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो हम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, मतलब कोई सामान नहीं दिया गया आपको, थैलिया वगैरह? अब हम ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम पंचायत से ठेलिया। कितने लोगों की ड्यूटी लगी थी यहाँ? पांच लोगों। पांच लोगों के, लेकिन मौके में नोडल अधिकारी आए तो मौके में कोई नहीं मिला? सर हम इस गली में नहीं, सब इधर उधर। नहीं, गली तो हमने सब गली देखा है, नोडल अधिकारी भी देखा है, हम लोग भी देखा है, लेकिन मौके में उपलब्ध नहीं हुए आप? नहीं सर, हम कुछ लोग यहाँ से झाड़ू लगा के जब ठेलिया नहीं, नहीं मोहल्ले वासी भी कह रहे हैं कि नहीं इधर नहीं आए कोई कचरा उठाने, ना कोई साफ सफाई करने। जब कचरा का हमें ठेली नहीं मिली तो मुन्नी देवी जोर से, क्या है सफाई आप बता रहे हैं? यहाँ पाछे तीन दिन से कूड़ा पड़ा है, मैं बोल रही की एक भर ले भाई, हथोई से साफ कर दी नाली, पानी दुआरे से बहा था तो कुछ नहीं बोले, बस चल दी। सफाई नहीं होती? कितने कितने दिन से सफाई नहीं हुई है? अब मैं तो अभी तीन दिन से, बहुत दिन से आया पानी बाहर। अच्छा, सफाई नहीं हुई है बहुत दिन से? अच्छा, आज आपने देखा सफाई हो रही थी? आज आवे वहीं तो ना है पीछे। अच्छा, यहाँ अधिकारी आए हुए थे, क्या है कि यह आया कि सफाई हो जाए, कम से कम मड़ई नहीं करत बैठक है, चौकीन से मड़ई नहीं करत है, पानी भरा है वहीं तना पीछे, नाली जाम पड़ी है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी।